प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं बेडरूम डिज़ाइन के बारे में। ये हमने बेड बनाया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो काफ़ी छोटा रूम है ये, 8x10 का रूम है। आप इसमें देख सकते हो हमने ये जो बेड की स्टैंडर्ड साइज़ दी हुई है, परस से 16 इंच की दी हुई है। इसमें 2 इंच के नीचे हमने पागे लगाए हुए हैं। अरे, हमारी व्हाइट माइका है, इसकी अभी पन्नी नहीं हटाई गई। कंप्लीट पन्नी हटाने के बाद काफ़ी अच्छी शाइनिंग मारेगा, काफ़ी अच्छा लुक आएगा इस बेड का। 5.5 फिट तो ये चौड़ा है और 6.25 फिट ये लंबा बेड बनाया हुआ है। इसके पास में भी हमने ये एक ड्रॉर बनाई हुई है, 2 ड्रॉर बनाई हुई है, साइड बॉक्स बनाया हुआ है। देखो, उडन की नोप काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे अच्छा लुक आ रहा है उडन की नोप से। इसके ऊपर वाइट कलर में, वाइट सनमाइका में बनाई हुई है। जो बेड का पीछे का हेड है, आप इस पर कुशन वगैरह, गद्दी वगैरह लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, उसका भी हमने छोड़ी हुई है। सिंपल भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये हमने 2 ड्रॉर इधर की तरफ भी बनाई हुई है और एक लॉक लगाया हुआ है ताकि आप आपका सेपरेट सामान इसमें रख सको। इसमें एक लॉक अटैच है हमारा, आप देख सकते हो। नीचे भी हमने एक ड्रॉर बनाई हुई है, 6 इंच की 2 ड्रॉर बनाई हुई है, जो इसका लुक नॉब से काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है। इसके ऊपर ही ड्रेसिंग का भी दिया हुआ है हमने, ताकि आप रूम में ही ड्रेसिंग भी आपकी ज़रूरी है रूम के अंदर। ये नीचे से आप इसे खोल सकते हो, ये 1/2 इंच हमारा पल्ला नीचे लटका हुआ है, पकड़ कर खोल सकते हो। ये ऑटो इंजिस सॉफ्ट क्लोज कप जो ऊपर बनाया हुआ है हमने, ये बॉक्स भी, अंदर भी आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो जो भी आपको ड्रेसिंग का सामान रखना हो। और हाफ बटन पर हमने एक गिलास लगाया हुआ है, 18 इंच चौड़ा गिलास है, 3 फिट लंबा गिलास है ये, जिससे आप अपने पूरे कपड़े को, टेट जूते तक को आप देख सकते हो दूर जाकर। और फुल साइज़ का एक ग्लास होना चाहिए जब भी अच्छा लगता है। ये 1.5 इंच की बेड की बॉर्डर दी हुई है, बेड वुडन बॉर्डर से भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये देख सकते हो उसके सामने हमने ये वार्डरोब बनाई हुई है, स्लाइडिंग वार्डरोब। रूम में जगह कम होने के हिसाब से हमने स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई हुई है ताकि अपनी जगह सही तरह से मैनेज कर सकें। ये 20 इंच का वुडन का पट्टा दिया हुआ है बीच में, इस पर हमने कैंसिल हैंडल लगाया हुआ है गला कर। और जस्ट इसके पास में हमने ये एक की लगाई हुई है, लॉक लगाया हुआ है, इसकी भी पन्नी नेट है, पन्नी हटने पर काफ़ी अच्छा लुक आएगा। ये पुश की लॉक बोलते हैं इसको, आप इसे पुश करने से दोनों डोरों को ये लॉक कर देता है, दोनों डोर हिल भी नहीं सकते अपने और दोनों डोर सेफली बंद हो जाते हैं। इसमें एक ही लॉक 2 डोरों का काम करता है और काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लॉक है ये भी। आप इसे पुश करते ये लॉक लग जाएगा ऑटोमेटिक, और इसे पुश करते वापस ये हट जाएगा। देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा लॉक आता है ये, जिससे अपने दोनों डोर एक साथ रुक सकते हैं, यहाँ पर ही लॉक हो सकते हैं। ये जो 1.5 इंच की बॉर्डर आ रही है, चारों तरफ से हमने 1.5 इंच की ही बॉर्डर दिखाई है, जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी सुंदर लग रही है वुडन में। देख सकते हो आप कितनी अच्छी लग रही है वुडन में ये बॉर्डर, और बीच में हमारे डोर लगाए हुए हैं। ये 1/2 इंच अंदर है हमारे डोर बाहर के फ्रेम से। इसके अंदर का देख सकते हो, जो हमारा ये ऊपर वाला शेप लगा हुआ है, ये 10 इंच पर लगा हुआ है, 10 इंच का ऊपर का खाना हमने छोड़ा हुआ है। उसके बाद आप रोड लगा सकते हो कपड़ों की, इस पर आप सूट जो भी हैंग करना चाहो अपने कपड़े वगैरह वो हैंग कर सकते हो। इसके नीचे फिर हमने 2 ड्रॉर बनाई हुई है दोनों तरफ साइडों में। ये 15 इंच की ड्रॉर बनाई हुई है, तो काफ़ी बड़ी ड्रॉर है, हमारी पार्टी के कहने पर हमने ये 15 इंच की ड्रॉर बनाई हुई है ताकि बड़ा सामान रखा हुआ आ सके इसके अंदर। और एक सेपरेट लॉक लगाया हुआ है ताकि आप अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को रख सके। पल्लों की फिनिशिंग देख सकते हो आप, हमने एस बेंडिंग लगाई हुई है पल्लों पर, जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी लग रही है, मैचिंग का काम किया हुआ है। हम सभी टकरों पर एस बेंडिंग लगाते हैं और बढ़िया 1.25 इंच के टकरों पर सब तरह से एस बेंडिंग लगा कर देते हैं। ये देख सकते हो आप, इधर की तरफ भी जो हमने डोर बनाई हुई है, इधर की तरफ भी 15 इंच की डोर बनाई हुई है, इसमें भी एक लॉक लगाया हुआ है हमने ताकि हमारी पूरी डोर खुल सके। हमने इस तरह से मैनेज किया हुआ है यहाँ पर, कहीं पर डोर अड़े नहीं अपनी खोलने पर, और आराम से अपना सामान रख सके अपन। ये सॉफ्ट क्लोज चैनल नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी चैनल है सर, ये भी नॉर्मल चैनल ही है, सॉफ्ट क्लोज नहीं है। पूरा आपको इसका डोर पूरा बंद करना पड़ेगा, जाकर ही पूरा डोर बंद होगा। सॉफ्ट क्लोज चैनल पे क्या, ऑटोमेटिक 2 इंच से ही अपना डोर खींच लेती है और वो बंद हो जाता है। ये सादा चैनल है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये ऊपर की तरफ हमने, इधर रूम में काफ़ी कम स्पेस होने के लिए हमने सामने भी बॉक्स बनाकर पल्ले लगाए हुए, ताकि आप अपना सारा सामान स्टोर कर सको। फ्लैटों में रूम छोटे होते हैं, जगह कम होती है, तो अपना सामान अपन मैनेज नहीं कर सकते। तो इसमें हमने फर्नीचर के ऊपर भी बॉक्स बनाया हुआ है ताकि आप सूटकेस वगैरह ऊपर रख सकते हो। देख सकते हो आप, 2 फिट चौड़ा है, 7.5-8 फिट लंबा बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें आपका काफ़ी स्टोरेज आ सकता है। और ये पल्ले भी आप नीचे से खोल सकते हो, इसमें कहीं पर भी हैंडल नहीं लगा हुआ,
ये आधा इंच पल्ले हमारे नीचे लटके हुए ताकि आप यहाँ से इसे पकड़ कर खोल सकते हो नीचे से। और ये इस पर भी हमारी पन्नी लगी हुई है ग्लोसी सीट पर, इसकी भी हमने पन्नी नहीं हटाई अभी तक, देख सकते हो। जब इसकी पन्नी हट जाएगी तो ये भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी शाइनिंग मारेगा। है ग्लोसी मायका है, वाइट मायका है, ये देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। छः पल्ले हमने ऊपर लगाए हुए हैं। इसके पास में हमने बालकनी में ये जाली वाला डोर बनाया हुआ है ताकि आप रूम में भी रहो तो एक डोर खोल सके तो अपने उजाला आ सके बढ़िया फर्स्ट क्लास, और रूम में घुटन सी महसूस नहीं हो, इसलिए हमने बालकनी में जाली वाला डोर बनाया हुआ है जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लग रहा है। हम इसी तरह की फर्नीचर रिलेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, यूट्यूब पर पब्लिक करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके बाय दोस्तों।